नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है शहीद दिवस। बिहार के शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन की अवधि का मिलेगा मेहनताना। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर ट्रेंड हुई यह दो ट्वीट। सम्राट चौधरी बने बिहार भाजपा के अध्यक्ष। खिलाड़ियों के इंजरी को लेकर रोहित ने बीसीसीआई को किया आगाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है शहीद दिवस। आज यानी कि 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि यह दिवस उन लोगों को याद करके मनाया जाता है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण को हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1931 में आज के दिन ही भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेज हुक्मरानों के द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। मालूम हो कि इस दौरान इनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी, इसलिए इन्हें शहीद ए आजम कहकर भी पुकारा जाता है। शायद आपको पता न हो, पर हम आपको बता दें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए 24 मार्च 1931 की सुबह 6 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन दो दिन पहले ही लोगों की जुटी भीड़ को देख अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने फांसी के समय को 12 घंटे पहले कर दिया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे फांसी दे दी गई। सम्राट चौधरी बने बिहार भाजपा के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट चौधरी एनडीए की सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, वहीं वर्तमान में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। मालूम हो कि अब सम्राट चौधरी डॉक्टर संजय जायसवाल का स्थान लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के नए अध्यक्ष बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कारण बिहार में नीतीश को झटका देना और कुशवाहा वोटों को साधने का है। अब 2024 लोकसभा का चुनाव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर ट्रेंड हुई यह दो ट्वीट। तमिलनाडु मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूब पर मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर आज यानी कि 23 मार्च को बिहार बंद रहेगा, जिसके तहत यह ट्वीट बीते दिनों से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। वहीं न्यूज लिखे जाने तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा इस ट्वीट का समर्थन किया जा चुका है। तो वहीं कुछ दूसरी धड़ा के भी लोग हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि आज बिहार बंद नहीं होगा, जिसके तहत इस ट्रेंड पर न्यूज लिखे जाने तक लगभग 15,000 से अधिक लोगों के द्वारा समर्थन किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बंद का असर बिहार के कुछ जिलों में भी देखने को मिला, जिनमें मुजफ्फरपुर, गया समेत कुछ जिलों के नाम भी शामिल हैं। कल से शुरू होगा रमजान का पवित्र महीना। फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया के सचिव सैयद मौलाना मिनहाजुद्दीन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल यानी कि 24 मार्च से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि बुधवार को पटना समेत देश के किसी भी हिस्से में रमजान के महीने का चांद नजर नहीं आया। बता दें कि उनके द्वारा कही गई बातों के अनुसार इस्लाम धर्म के लोग रमजान के इस महीने को बेहद ही पवित्र मानते हैं और इस दौरान वह पूरे महीने अल्लाह की इबादत करते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ने और रमजान के पाक महीने में रोजा रखते हैं। मालूम हो कि बुधवार को देश के किसी भी हिस्से में चांद के नजर न आने के बाद गुरुवार को तरावी का शुभारंभ किया गया। मोदी सरकार ने बिहार के 3 जिलों को किया टॉप। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत बिहार के 3 जिलों को टॉप किया गया है। बता दें कि जिन 3 जिलों को टॉप किया गया है उनमें खगड़िया, पूर्णिया और शेखपुरा शामिल है। मालूम हो कि खगड़िया पूरे देश में सबसे शानदार काम करने वाला जिला बनते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर पूर्णिया और शेखपुरा की बात करें तो यह दोनों जिले पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है। बता दें कि बिहार के 3 जिलों को अब केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी, जिसमें बिहार के कुल 13 जिले शामिल हैं और इन सभी जिलों का चयन 11 इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। बिहार में 547 दिनों में सफर होगा और भी आसान। बिहार के लोगों का 547 दिनों में सफर और भी आसान होने वाला है। दरअसल बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 41.75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला हाजीपुर मुसरी घरारी सड़क 103 पर जंदाहा के पास बाईपास निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि जारी किए गए टेंडर को भरने की अंतिम तारीख 4 मई को निर्धारित की गई है। वहीं 4 मई तक निविदा भरे जाने के बाद NH 103 के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। मालूम हो कि सड़क निर्माण के लिए 547 दिनों की अवधि तय की गई है।
विधानसभा में अपराध भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार को घेरा। आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा सदन में बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प सदन से पारित कराने की मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सदन में कृषि रोड मैप में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब मांगी और कहा कि सुशासन राज्य में कई बड़े नौकरशाहों पर अपराध और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए सरकार इसकी जाँच कराए और सदन अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प पारित करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के इस मांग से ही शुरू हुई। लेट्स इंस्पायर बिहार ने मनाया दूसरा स्थापना दिवस। बिहार के तेज तरार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव के तरफ से चलाए जा रहे लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का दूसरा स्थापना दिवस बिहार की राजधानी पटना में मनाया गया। बता दें कि इस आयोजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में युवा शक्ति पर बढ़ावा देने को लेकर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसको लेकर कई जिलों से युवाओं को भी आमंत्रित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के जरिए कई चैप्टर के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें गार्गी चैप्टर के माध्यम से झुग्गी में रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है। बिहार के शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन की अवधि का मिलेगा मेहनताना। बिहार के शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन की अवधि का मिलेगा मेहनताना। शिक्षा विभाग के द्वारा करीब डेढ़ साल के बाद अब जाकर बिहार में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पढ़ा रहे 4050 अतिथि शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 11 जुलाई 2021 तक का परिश्रमिक का भुगतान करने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय पटना में शिक्षकों के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 12 जनवरी को एक न्यायाधीश पारित करते हुए कोर्ट के द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पढ़ा रहे इन अतिथि शिक्षकों को 22.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। बिहार की राजधानी में बनेंगे हॉकी के 2 टर्फ मैदान। बिहार के वैसे युवा या खिलाड़ी जो हॉकी में रुचि रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग के लिए बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में भी 25 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी के 2 टर्फ मैदान बनाए जाएंगे। बता दें कि बनने वाले ये दोनों मैदान राजधानी के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज राजेंद्र नगर और एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल शास्त्री नगर के खेल मैदान पर बनाए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और अब इस प्रस्ताव को बिहार के विकास आयुक्त और शहरी विकास आयुक्त के पास भेजा जाएगा। मालूम हो इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा दी गई है। भागलपुर का लाल बनाएगा क्रिकेट के लिए एक अनोखा पिच। बिहार के भागलपुर के रहने वाले राकेश प्रियदर्शी के द्वारा एक ऐसी पिच बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मिनटों में एक ही मैदान पर पिच बदल जाएगा। बता दें कि इस पिच का नाम पावर प्ले ओवर के तर्ज पर पावर पिच प्ले ओवर रखा गया है, जो बहुत जल्द क्रिकेट मैदान पर देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पिच का मॉडल राकेश के द्वारा तैयार भी कर लिया गया है और उसका पेटेंट भी हो चुका है। इस पिच के निर्माण की शुरुआत राकेश प्रियदर्शी के द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जो अब जाकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। मालूम हो कि भारत सरकार के पेटेंट विभाग के द्वारा उनके इस प्रोजेक्ट को 25 जनवरी को ही मंजूरी दे दी गई थी। वहीं अब उनके इस प्रोजेक्ट पर उनका साथ IIT पटना के द्वारा भी जल्द दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के निधि EIR के सहयोग से मॉडल बनाने के लिए फंड भी मुहैया कराया जाएगा। खिलाड़ियों के इंजरी को लेकर रोहित ने BCCI को किया आगाह। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा तीसरे वनडे में मिली ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद यह कबूला गया है कि खिलाड़ियों की इंजरी भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हम अपनी तरफ से प्लेयर्स को संभालने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं जो आप बता सके कि खिलाड़ी क्यों चोटिल हो रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और वह इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वर्ल्ड कप के लिए को हमारे बेस्ट 15 खिलाड़ी तैयार मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हुए तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा। आज यानी कि गुरुवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को सूरत की एक सेंसस कोर्ट के द्वारा बड़ा कानूनी झटका दिया गया है। दरअसल कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मानहानि के एक मुकदमे पर IPC की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुना दी गई है। हालांकि सजा की घोषणा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें गैर संज्ञेय अपराध होने के कारण 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी
चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है, जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया गया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, सदुल्ला पलवी, रविशंकर, प्रिंस कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, बाबूलाल मरांडी, पवन सिंह, मोहम्मद बाबर, रंजीत कुमार, भान प्रकाश मौर्य, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हमारे देश के लिए शहीद हुए लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।